दोस्तों, आज मैं आपको यूरिक एसिड को पूरी तरह से कैसे क्योर कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक जड़ी बूटी बताने जा रही हूँ। इस जड़ी बूटी को यूज़ अगर आप करते हैं दोस्तों बताए के अनुसार, तो यूरिक एसिड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसका जो स्तर होता है यूरिक एसिड, जो हमारे शरीर में प्यूरिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये यूरिक एसिड कैसे हमारे शरीर में होता है। जब इसका कारण ये मेन होता है कि किडनी की जो फिल्टर करने की क्षमता होती है जब ये कम हो जाती है, तो यूरिया जो हमारे शरीर में बनता है वो यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो हड्डियों के बीच में जाके एकत्रित हो जाता है। इसके साथ ही खून में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे शरीर की मांसपेशियों में सूजन आ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यही यूरिक एसिड जब आगे बढ़ जाता है तो ये गठिया का रूप ले लेता है। तो इस गाउट को हम कैसे घर बैठे दूर कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे रिलेटिव में भी यूरिक एसिड की समस्या थी और इस घर को उन्होंने यूज़ किया दोस्तों, मात्र 3 महीने यूज़ करने से उनके यूरिक एसिड का लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों चलिए बताते हैं इसको लेने का तरीका, 2 तरीका मैं आपको बताऊंगी, जो आपको आसान लगे उसे आप कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूरिक एसिड में क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको उसमें पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाए कि आप क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। दोस्तों चलिए मैं बताती हूँ कि इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, इसका जो नाम है, जो ये घर है, ये जो हर्ब्स है जो आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए इसमें जो फूल पत्ती आप देख रहे हैं पीले कलर का फूल होता है, इसके जो फल होते हैं कांटेदार होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, ये सूख जाते हैं तो देखिए इस तरह से आपको दिखेंगे। ये आपको आयुर्वेदिक के शॉप पर गोखरू नाम से आप मांगेंगे, इसका नाम है गोखरू, गोखरू को आपके नाम से लेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। आपको कैसे करना है, गोखरू लीजिए, इसको रात में आप भिगा दीजिए, यानी 10 ग्राम की मात्रा में आप गोखरू लीजिए, उसको रात में पानी में भिगा दीजिए और सुबह उठ के इसको पानी में अच्छे से मसल के इसको छान के आप रोज़ पिया करिए, सुबह सुबह खाली पेट, और शाम को पियेंगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। शुरू में दोनों टाइम आप पीजिए, जब आपको लगने लगे ना कि आपका यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल हो रहा है तो आप इसे एक टाइम भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, ये काढ़े के फॉर्म में लेना, ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। इसको आप शुरू में इसी तरह काढ़े के फॉर्म में ही लीजिए, जब आपको लगने लगे ना ठीक हो रहे हैं तो आप उस तरह से नॉर्मली इसे भिगा के सुबह के टाइम पे ऐसे ले सकते हैं, लेकिन पहले आप काढ़े के फॉर्म में यूज़ करना स्टार्ट करिए। देखिए कैसे लेना, 400 ग्राम लीजिए आप गोखरू, 400 ग्राम की मात्रा में गोखरू लीजिए, उसको पानी में ले लीजिए, पानी 4 गिलास पानी, उसमें अच्छे से उबालिए। जब ये पानी उबल उबल के बिल्कुल 10 ग्राम की मात्रा में पानी बचे तब उस पानी को आप पीजिए, इसमें पूरा अर्क गोखरू का आ जाता है, ये बहुत ज़बरदस्त है। 10 ग्राम की जब मात्रा में बचे पानी तो आप इसको छानिए और उसको सुबह खाली पेट पीजिए, इसी तरह से रात में सोने से पहले आप कीजिए। बस ये ध्यान देना, जब आप ये रेमेडी कर रहे हैं ना तो उसके आधे से 1 घंटे तक आप कुछ भी खाया पिया ना करिए, पेट बिल्कुल खाली रहे। इसको लेने के बाद बिल्कुल आप में कुछ भी नहीं खाना पीना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये गोखरू जो होता है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है यूरिक एसिड के लिए, यहाँ तक कि शरीर के अंदर अगर किसी भी तरह की टॉक्सिन्स हैं, उन सारे जो अनवांटेड पदार्थ होते हैं, अनवांछित पदार्थ होते हैं जिसके वजह से हमारे शरीर में ये यूरिया यूरिक एसिड पर कन्वर्ट होने लगता है, उसको ये पूरी तरह से फिल्टर करता है, यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों इस ज़बरदस्त रेमेडी को आप जरूर ट्राई करें, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप बस पेशेंस के साथ इसे लगातार आप 1 महीने करिए, फिर अपना चेकअप करवाइए, आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको सरप्राइज हो जाएंगे कि कितनी आसानी से आप इस उपचार को करेंगे और आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, आसानी से यूरिक एसिड जो है बाहर निकल जाएगा और इससे आपके दर्द में, आपके जो सूजन होती है उसको आपको तुरंत ही 1 हफ्ते के अंदर ही आपको आराम लगने लगेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने कभी गोखरू का यूज़ किया है, आपको उसका रिजल्ट कैसे मिला, आपने किस तरह से उपयोग किया है, इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे औरों को भी पता चले कि इसका रिजल्ट क्या है, क्या इसका फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, जो मैंने आपको अभी बताया, नहीं खाने पीने का ध्यान आपको जरूर देना है, पानी आपको ज़्यादा ज़्यादा पीना है, जिससे जो आप खा रहे हैं दवा ले रहे हैं शरीर के अंदर जो भी अनुवांछित पदार्थ है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएँ और फिल्टर करने में आसानी हो, क्योंकि जो पानी रहता है शरीर में, जो पानी जाता रहता है तो हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। तो पानी ज़्यादा ज़्यादा पीजिए, डिटॉक्स ड्रिंक जो होते हैं, मैंने कई सारे हर्बल टी बताए हैं, उस टी को आप पीजिए, रात में अजवाइन पानी भिगा दीजिए, उसको चाय जब बनाते हैं तो उसमें पानी डाल के उस चाय को साथ पीजिए, ये सारी चीज़ करिए दोस्तों, आप देखेंगे इससे बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा और यूरिक एसिड से पूरी तरह से आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
हूँ।